महाकाल मंदिर में दर्शन के नाम पर पैसे ठगने वालों के खिलाफ मंदिर प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए जगह जगह पर पोस्टर लगाकर श्रद्धालुओं की सुविधा को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है, ताकि दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं को ठगी से बचाया जा सके। महाकालेश्वर मंदिर में आए दिन श्रद्धालुओं से प्रवेश के नाम पर अनाधिकृत रुपए लेने की शिकायत के बाद मंदिर प्रशासन अब श्रद्धालुओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम लेकर आया है। पूरे मंदिर परिसर में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं को इस बात के लिए जागरूक किया जा रहा है कि वे मंदिर प्रवेश के लिए किसी भी व्यक्ति से संपर्क ना करें, ना ही कोई राशि किसी व्यक्ति को दे। शीघ्र दर्शन अथवा भस्मारती के लिए जो शुल्क निर्धारित है, उसका भुगतान सिर्फ काउंटर पर होगा। उल्लेखनीय है कि पिछले कई समय में मंदिर में भस्मारती, श्यानारती, शीघ्र दर्शन इत्यादि के नाम पर श्रद्धालुओं से हजारों रुपए ऐठने के मामले रोता रहे हैं, जिस पर कई प्रकरणों में प्रशासन ने मंदिर पुजारी, प्रतिनिधियों, निजी सुरक्षा कर्मियों और अन्य दोषियों के विरुद्ध निष्कासन की कार्रवाई की है। महाकालेश्वर मंदिर में यात्रियों से लूटपाट की घटनाओं की जानकारी और शिकायतें बराबर मिल रही थी। इसी के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बार बार निर्देश दिए गए थे कि मंदिर में ऐसी व्यवस्था की जाए, जगह जगह फ्लैक्स लगाए जाए। उसी तारीख में जगह जगह फ्लैक्स लगाए गए, जिसमें यात्री के साथ किस प्रकार की कोई ठगी करता है या पैसे की मांग करता है तो उसका जिस उसको शिकायत कर सकता है, उसके टोल फ्री नंबर मंदिर कार्यालय का, पुलिस चौकी का, उसमें दिया गया है। यात्री से कोई पैसा मांगता है उसकी सूचना तुरंत वो दे।